यहां तो विद्यार्थियों स्वागत है एक बार फिर आपका। तो यहां पर हम बात कर रहे थे संख्या प्रणाली, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कक्षा 6 दोनों के लिए ये अध्याय, ये जो चैप्टर है ये सेम है। दोनों के एंट्रेंस एग्जाम में ये चैप्टर आपको देखने को मिलता है। तो आज हम इस संख्या प्रणाली के बारे में जानेंगे कि संख्या प्रणाली क्या होती है, संख्या प्रणाली का क्या इस्तेमाल है, और संख्या प्रणाली मतलब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, ये सारी जो बातें हैं ये हम इस चैप्टर में देखते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर BSS पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से कोचिंग होगी और ये फ्री में वीडियोज आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो किताब है जो आपके सामने है, वैसे मैं पहले बता चुका हूं, ये किताब अगर आपने परचेज नहीं की है तो आप कोई इसके परचेज करने का ऑप्शन हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये जैसे कि देखिए संख्या प्रणाली का चैप्टर है, शायद आपको साफ ना दिखे, तो ये चैप्टर वाइज आपको ये जो किताब है ये आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इसकी PDF फाइल भी अपने जो हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसके अंदर ले सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी वैसे एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दी जाएगी। मैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इसी किताब के माध्यम से पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं संख्या प्रणाली। देखिए संख्या प्रणाली क्या होती है, संख्या प्रणाली का क्या इस्तेमाल है, गणित के अंदर इसको क्यों यूज किया जाता है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए संख्या प्रणाली क्या है। देखिए हमारा सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने उठकर आता है वो यही आता है कि भाई संख्या प्रणाली है क्या। अब देखिए संख्या क्या होती है ये हम जानते हैं। ओके, अब जैसे कि एक मान लीजिए मैं एक जो उदाहरण होता है वो आपको देता हूं। किस प्रकार का उदाहरण? आपका एक घर है, घर का मतलब आपका पूरा परिवार है, आपका पूरा परिवार है। अब उस पूरे परिवार के अंदर आपके पापा है, मम्मी है, भाई बहन चाचा चाची पति पत्नी, मतलब बहुत से लोग रहते हैं। तो वो एक परिवार क्या है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। ओके, इसको नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो ये एक हमारी फैमिली जो है, हमारा जो परिवार है ये एक प्रणाली है। इसी प्रकार से अगर हम समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो एक सोसाइटी में एक से ज्यादा फैमिलीज रहती है, तो वो भी एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। इसी प्रकार से संख्याओं का भी एक प्रणाली है, यहां पर अलग अलग प्रकार की जो संख्याएं होती है ना उनको विभाजित किया गया कि भाई इन संख्याओं का नाम ये है, इन संख्याओं का नाम ये है, इन संख्याओं का नाम ये है। जैसे कि अगर एक बात की जाए तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति होता है ना, जैसे कि हम, मैं हूं, आप सब है, तो उनके दो आंखें होती है, कान होते हैं, तो इसको हम व्यक्ति कहते हैं, इसको हम मनुष्य कहते हैं। लेकिन एक जानवर होता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जो हो गया गाय हो गई, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, जानवर कहते हैं। लेकिन दोनों को क्या कहते हैं कि दोनों में जीव है ना। तो इस प्रकार से ये एक सिस्टम बनाया जाता है, प्रणाली बनाई जाती है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, देखिए गणित में एक विशेष प्रणाली जो भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानने में हमारी मदद करती हो, इस प्रणाली को गणित की भाषा में संख्या प्रणाली कहा जाता है। भाई संख्याओं के बारे में जानने में जो प्रणाली, जो सिस्टम हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे, उसको हम संख्या प्रणाली कहते हैं। अगर कोई भी कल को अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि भाई संख्या प्रणाली क्या, जल्दी से बता, तो बता देना कि गणित के अंदर वो विशेष प्रणाली जो भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानने में हमारी मदद करती हो, इस प्रणाली को गणित की भाषा में संख्या प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है। भाई अब कह दिया कि जीव होते हैं, तो जीव कितने प्रकार के होते हैं। भाई जीव तो मनुष्य भी होता है, जीव तो जानवर भी होता है, जीव तो पक्षी भी होते हैं। तो संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है ये बताइए। तो संख्या प्रणाली मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, जिसको ब्रिटिश संख्या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली को ब्रिटिश संख्या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरी जो संख्या प्रणाली है वो है भारतीय संख्या प्रणाली, जिसको हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न सीधा उठकर पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, या फिर अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली को डैश 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 के नाम से भी जाना जाता है।
तो बताइए अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश संख्या प्रणाली। इसी प्रकार से भारतीय संख्या प्रणाली का दूसरा नाम है हिंदो अरबी संख्या प्रणाली। इसी प्रकार से एक तीसरी संख्या प्रणाली है जो है रोमन संख्या प्रणाली, जिसका कोई दूसरा नाम नहीं है लेकिन इसको रोमन संख्या प्रणाली कहा जाता है, रोमन स्थान से ये देखने को मिली थी। आइए कृपया संख्या प्रणाली के बारे में नोट करें, मतलब कि कुछ ऐसी बातें जो हमें लिख देनी चाहिए, याद कर देनी चाहिए इस अध्याय के बारे में, संख्या प्रणाली के बारे में। अब क्या क्या है देखिए, सबसे पहला नोट, ये नोट आप बनाते जाइएगा क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा ना उस समय वापस इनको रिवाइज करने के लिए, वापस इनको पढ़ने में आपको आसानी होगी, क्योंकि खुद के हाथ से बनाए हुए जो हमारे नोट्स होते हैं ना उनको पढ़ने में बड़ी आसानी होती है और पढ़ने में बड़ा एंजॉय मिलता है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहला जो है, विश्व में भारतीय संख्या प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली, विश्व में भारतीय संख्या प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली ज्यादा प्रचलित और उपयोग में की जाने वाली प्रणाली है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली जो है ना इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। मान लीजिए कि यहां पर पूरे विश्व में 100 लोग हैं, 100 में से 60 से 70 लोग इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। अरे यार YouTube का नाम सुना है ना आपने, जहां पर ये आप शायद वीडियो देख रहे हो, तो YouTube के ऊपर भी आपने देखा होगा 1 मिलियन, तो ये सब क्या है, ये सब अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली है, ठीक है, ये सब अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली को इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो भारतीय संख्या प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में सबसे ज्यादा प्रचलित या सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली विश्व में कौन सी प्रणाली है, तो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली सबसे ज्यादा उपयोग में की जाती है। दूसरी बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जैसे चिन्हों का उपयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने क्या कहा है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है ना ये सिंबल्स हैं, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली है, इसके अंदर हम कुछ संख्या लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में मान लीजिए 1000 लिखना चाहता हूं, ठीक है, 1000, तो 1000 को अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखने के लिए मैंने एक चिन्ह यूज किया, 1 और 0, 0 को मैंने 3 बार लिखा और 1 को 1 बार लिखा, तो इन दोनों का इस्तेमाल किया तो ही तो मैं संख्या को लिख पाया ना। तो यही होता है कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए आपको इन 10 जो ये चिन्ह दिए हुए हैं इनका उपयोग करना पड़ेगा। इन 10 चिन्हों का उपयोग करते हुए आप कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक 2 नंबर वाला पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है वो भी जान लीजिए, भारतीय संख्या प्रणाली में भी किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जैसे चिन्हों का उपयोग करते हैं, मतलब कि भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में जो हम सिंबल्स यूज करते हैं, जो हम चिन्ह यूज करते हैं, उनमें ज्यादा बदलाव नहीं होते, क्योंकि भारतीय संख्या प्रणाली में भी अगर हम किसी संख्या को लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं 1 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये 1 लाख लिख दिया, मैंने क्या किया 1 और 0 का इस्तेमाल किया, बाकी मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, और ये 1 और 0, 0 से लेकर 9 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए एक जैसे ही चिन्हों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा, रोमन संख्या प्रणाली। अब देखिए रोमन संख्या प्रणाली जो है ना वो भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली से भिन्न है, हटकर है थोड़ी सी, क्योंकि भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में संख्याओं को लिखते हैं ना तो लगभग लगभग एक जैसी दिखती है, लेकिन ये जो रोमन संख्या प्रणाली है ये थोड़ी सी अलग हो जाती है, हटकर हो जाती है। यहां पर क्या होता है कि हम जो वर्णमाला होती है, जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है, उसके कुछ वर्ण है ना उनका उपयोग करते हैं, जैसे कि IVXLCM, ये छोड़कर हम एक और प्रणाली का एक प्रणाली का उपयोग करते हैं, संकेतन प्रणाली। क्या कहते हैं? संकेतन प्रणाली, जिसको बार सिस्टम कहा जाता है। बार जो होता है ना ये क्या होता है देखिए समझाता हूं। जैसे कि मैंने V लिखा, V को क्या कहते हैं? 5 कहते हैं, रोमन संख्या प्रणाली में V को 5 कहते हैं। तो V के ऊपर जैसे मैंने ये लाइन खींची तो ये संकेतन प्रणाली है, इसको बार कहा जाता है, इसको जो इंग्लिश है ना इसके अंदर इसको बार कहा जाता है, बार सिस्टम, ठीक है, लेकिन हिंदी में इसको संकेतन प्रणाली
कहा जाता है, जो कि संकेतन करती है कि जैसे कि देखिए ये क्या हो गया, 5000 हो गया। वैसे इसके बारे में हम है ना रोमन संख्या प्रणाली वाला जो हमारा चैप्टर होगा ना इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल हम और आगे बढ़ते हैं। चिन्ह, एक इस चिन्ह का उपयोग वर्ण के लिए किया जाता है और इस चिन्ह का उपयोग वर्ण के दाएं बाएं, हाँ ये जो बार है ना ये बार दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है कि जो वर्ण है उसके ऊपर और एक वर्ण के साइड में भी, मतलब कि दाएं और बाएं भी इसको लगाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए आप, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं 10000, ठीक है 10000, तो ये हो गया 10 यहां पर, सॉरी ये हो गया 10। अब 10 के एक इधर और एक इधर लाइनें खींच दो दो, तो ये हो गया हमारा 10000 रोमन संख्या प्रणाली, ठीक है। वैसे रोमन संख्या प्रणाली के सारे नियम मैं आपको बता दूंगा क्योंकि इसका मैंने एक चैप्टर लिख दिया है सेपरेटली, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए ना, रोमन संख्या प्रणाली में 5000 को दर्शाने के लिए हम V के ऊपर संकेतन प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो इस V बार, इसको V बार कहते हैं, V संकेतन प्रणाली के साथ, ठीक है। चलिए, संख्या प्रणाली में संख्या सूचक, अब देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई संख्या प्रणाली में संख्या सूचक क्या होता। अब देखिए संख्या सूचक क्या होता है, जैसे कि एक संख्या है, यहां पर जैसे संख्या लिखी हुई है 61732। अब 61732 क्या है, एक संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। तो अब इस संख्या में मैं अगर बोलूं 6 1 7 3 2, मतलब कि जो इसके अंदर अंक दिए हुए हैं अगर सारे अंकों को मैं अलग अलग करके बोलूं तो ये क्या है, संख्या सूचक है। तो संख्या सूचक क्या होता है, किसी संख्या में अगर हम उसके अंकों को अलग से उनका नाम ले या फिर उनको जो है उनके ऊपर गौर करें, मैं अलग से गौर करता हूं कि भाई ये ठीक है, ये पूरी संख्या है, ये 61732 है लेकिन इसमें 6 है, तो 6 क्या है, संख्या सूचक है। 6 क्या है, संख्या सूचक है। तो अगर 6 1 7 3 2 ये सब क्या है, संख्या सूचक होते हैं। किसी संख्या में जो अलग अलग जो अंक होते हैं उनको संख्या सूचक कहा जाता है। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के अंकों के मध्य कोमा का उपयोग, अब देखिए किसी संख्या के मध्य जो उनके अंक होते हैं ना उनके मध्य कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। कोमा जो होती है ना ये वाली यहां पर जो बनी हुई है कोमा, इस कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। अब यार ये कोमा इस्तेमाल क्यों होती है, आपने कई बार देखा होगा कहीं कहीं पर जो हमारी संख्या लिखी हुई होती है कि 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ऐसे करके ऐसे इकाई दाई सैकड़ा 1000 10000 लाख और 10 लाख, लेकिन इसके बीच में कोमा होती है, एक यहां कोमा होती है एक यहां कोमा होती है। तो भाई ये कोमा यहां पर ही क्यों लगी, ये हर किसी के बीच में क्यों नहीं आई, या फिर ये कोमा कहां पर इस्तेमाल होती है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये संख्या जो है ये कौन सी प्रणाली में है। देखिए इससे सीधा मालूम पड़ रहा है कि ये भारतीय संख्या प्रणाली में संख्या लिखी गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसी संख्या को अलग अलग कोमा के तौर पर लिया जाता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए, तो किसी संख्या को व्यवस्थित ढंग से और पढ़ने में आसानी के लिए हम संख्या के कुछ विशेष अंकों के मध्य कोमा का उपयोग करते हैं, मतलब कि किसी संख्या को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए हम उसके बीच में कोमा का इस्तेमाल करते हैं। ये कहां इस्तेमाल होता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली दोनों के अंदर इस कोमा का इस्तेमाल होता है, लेकिन कोमा का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर होता है। दोनों संख्या प्रणालियां एक जो सिस्टम है, एक जो नियम है, वो भिन्न भिन्न प्रकार का इस्तेमाल करती है। अब देखिए जैसे बात करते हैं एक उदाहरण के लिए, ठीक है, मैंने हर जो मेरी किताब है इसके अंदर हर किसी एक कॉन्सेप्ट के लिए एक उदाहरण दिया है, समझाया है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम संख्या 1 लाख को 100,000 के रूप में लिखते हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय संख्या प्रणाली में हम 1 लाख को 1,00,000 के रूप में लिखते हैं। अब देखिए कितना अंतर है, यहां पर संख्या वही है, इसको भी हम 1 लाख कहते हैं, इसको भी हम 1 लाख ही कहते हैं, ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, लेकिन ये जो 1 लाख है ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखा गया है, और ये जो 1 लाख है ये भारतीय संख्या प्रणाली में
लिखा गया है। वैसे इस कॉमा का इस्तेमाल भारतीय संख्या प्रणाली में किस प्रकार से करना है, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में किस प्रकार से करना है, वो हम इस वीडियो के आगे, जो हमारा ये कोर्स लंबा जो होगा आप जानते हो, क्योंकि ये जो एक चैप्टर है इसको पूरा होने में भी समय लग जाएगा, तो जैसे जैसे होगा हम धीरे धीरे सब कुछ देख लेंगे। चलिए आगे देखें क्या है। अब आगे जो है वो है तीनों संख्या प्रणालियों के बारे में विस्तृत जानकारी, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी, भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी, और रोमन संख्या प्रणाली के बारे में छोटी सी जानकारी यहां पर दी जाएगी, और इसका एक पूरा चैप्टर है जो इस चैप्टर के बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फटाक से वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को बताएं, और ये किताब आपको जल्द से जल्द हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगी, और इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी आपको भिजवा दी जाएगी। देखिए मैं कुछ पेजेस लिखकर बैठा हूं हार्ड कॉपी के, तो मेरे 2 साल की मेहनत है, बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ बनाई है किताब, एक एक चीज को इसके अंदर देखा गया है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।